Subscribe to my channel for education and entertainment videos. रहमान रहीम जमात पंजुम मजमून रियाजी सबक नंबर 5 कसर। इससे पहले कसर का तारुफ, कसर के अंदर शुमार कुरिंदा नसब नुमा लिया गया है, फिर उसके अंदर कसरों की जमा का भी हमने अमल देखे, कसरों की तफरीक का भी अमल देखे। कसरों में हम नसब नुमा किस तरीके से बनाते हैं, दी हुई कसरों को हम नसब नुमा कसरों में तहवील करना है। अब उसको तहवील करना है, इसका मतलब मिसाल के तौर पर 3/4 है, कामा 5/8 है, इन दोनों को हम नसब नुमा, यानी हम नसब नुमा का मतलब है दोनों के नसब नुमा एक जैसे होना चाहिए। अब दोनों के हम नसब नुमा एक जैसे लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका नसब नुमा देखना पड़ेगा, 4 है, इसका नसब नुमा 8 है। इसका मतलब हम 4 को अगर ऐसे अदद से ज़रब दिए तो वो अगर 8 बन जाता है तो हमको क्या करना है, वो जब 8 बन जाता है तो हम नसब नुमा गए, आसान तरीका है। तो हम इसको अगर हम नसब नुमा बनाने के लिए 3/4 को अगर 2 से ज़रब दे दिए, 2 से इसको 2 × 8 और 2 × 3 = 6, इसका मतलब इसके नसब नुमा एक जैसा आ गया। इसको लिख लो 5/8 का, ये होगा इसका तरीका, एक नमूने का सवाल हो गया। दूसरे नमूने का इसके अंदर दूसरी मिसाल है, दूसरा जो नमूने का सवाल, ये एक नमूने का सवाल हो गया। दूसरे नमूने का सवाल क्या आएगा, 3/5 / 2/6। अब इनके नसब नुमा देखो अलग अलग है, इनके नसबनुमा क्या है अलग अलग है, इसके 5 है, इसको 6 है, इसको कितने से भी ज़रब दिए 6 ही नहीं आता और नसबनुमा को कितने से ज़रब दिए तो 5 नहीं आता। ऐसे वक्त में क्या करना है, ये दोनों को ज़रब दे दो एक दूसरे को, 5 × 6, ये कसर के अंदर, इस कसर के अंदर भी 6 × 5, इसका मतलब इसको हमने 5 से ज़रब दिए तो ऊपर जो हिंसा है शुमार कुरिंदा इसको भी 5 से ज़रब दे देंगे, इसके नसब नुमा को हमने 6 से ज़रब दिए तो इसको भी शुमार को हम 6 से ज़रब दे देंगे, दोनों के नसब नुमा एक जैसे आ जाएंगे, 30 इसका भी 30, इसको क्या 2 × 5 = 10 और 3 × 6 = 18। ये दूसरे नमूने का सवाल है, एक नमूना दूसरे नमूना, इस नमूने के आपको क्या करना है, कम से कम 10 से 15 सवालात आप मश्क के अलावा आप खुद तैयार करेंगे। इसके सवालात किस तरीके से तैयार करेंगे देखना है, 2/3, अब 3 के बारे में क्या आता, 6 आता, ले लो 6, इधर कोई भी हिंसा लिख लो 4, होगा एक सवाल। दूसरे नमूने का दूसरा सवाल, इस नमूने में यहाँ 5 ले लो, 5 के बारे में कौन आता, 20, ये 20 ले लिया, इसको चुमार को इंदा, इसको 3 ले, इसको 4, इसको 5 ले लो, होगा इस तरह से दूसरा सवाल तैयार होगा। तीसरा सवाल, हम सवालात तो हल करते हैं जवाबात, मगर हम सवाल बनाने का तरीका भी बता रहे हैं आपको। मश्क की सवालात, मश्क नंबर 18 के पहला नमूने के जो सवालात हैं, दी हुई कसरों को हम नसब कसरों में तहवील करना है, तो ऐसे हम सवालात कई बना सकते हैं। अगर हमने इधर से छोटी कसर इधर बड़ी कसर लिया, इधर से शुरू करो 5/7, 7 के बारे में क्या आता है 21, ले लो 21 और यहाँ पर, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये तीसरा सवाल होगा इस नमूने का। चौथा सवाल इस नमूने का, और इधर क्या करेंगे 6, इधर 6 ले लिए, इधर 2, 6 के बारे में क्या आता 18, ये 18 आएगा, यहाँ 10 × 10, ये 4। इस नमूने के 4 सवालात मैंने तैयार करके दिया हूँ आप लोगों को, ये सवालात आपको हल करना है मस्त सवालात के अलावा। अब इस नमूने के सवालात हम कौन से, ये दूसरे नमूने के सवालात, इस सवालात के हम 2 सवालात मैं तैयार करके बताता हूँ किस तरीके से, दोनों के अलग अलग लेना है, एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आना, ये 5 इधर 7 नहीं आए, एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते। दूसरा इस नमूने का सवाल, 10 इधर 7, दोनों भी कहाँ तक भी ज़रब देंगे तो वो हमको वो हिंसा हासिल नहीं होता है, 5 इधर 9। इसके मस्त
सवालात के अलावा आपको इनके सवालात हल करना है। तमाम सवालात तैयार करके आप मश्क कर सकते हैं। खुदा हाफिज़। Subscribe to my channel for education and entertainment videos.